ओम शांति। आज बाबा के 28 मई के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों की प्यार की सैक्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? उत्तर है, भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहधारी संबंध याद न आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। ये तो सब जान जब आते हैं, तीनों ही इकट्ठी सर्विस करते हैं। कहते हैं छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं, बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए, छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है, आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहां तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता, गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर है ना। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है, इसको रौरव नरक कहा जाता है। अब हमको वापिस जाना है, इसीलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने के लिए, हम सब भाई भाई हैं। ये पक्का निश्चय कर लो, ये देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल, इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत है, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है, अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छीछी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। लिखा हुआ भी है अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। इसीलिए कहते हैं अंत काल गंगा जल मुख में हो, श्री कृष्ण की याद हो। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण की याद रहती है, श्री कृष्ण भगवान वाच्य कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं देह को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैक्रीन हो जाता है। सबका मीठा और फिर सबका माशूक भी है, माशूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है, यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी है नहीं।
यह भी तुम नोट करते हो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे, शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो, स्टेटस सामने खड़ा है। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे न सके, यह है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं रूहानी ज्ञान देने लिए, उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं, वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना, कहां से आए हो, परम धाम से, ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना, इस शरीर में पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ, आत्मा पतित बनी तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही एलॉय पड़ती है, फिर उनको गलाया जाता है। वे सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे, वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। बाप से योग रखो ये मानते ही नहीं, बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं, पतित पावन है, सर्वशक्तिमान है, उसे ही श्री श्री कहा जाता है। और श्री कहा जाता है देवताओं को, उनको शोभता है, उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह ना सके, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, ये तो क्लियर है, परंतु जो सुनने वाले होंगे वह कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो कितना विस्तार है, अनेक प्रकार के भक्त हैं। और फिर पहले से ही सुना है, भगाते थे श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों हैं? तो बाप बैठ समझाते हैं, श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, वह तो कितना बुद्धिवान होगा, सारे विश्व का मालिक क्या कम बुद्धिवान होगा? वहां उन्हों को वजीर आदि होते नहीं, राय लेने की दरकार नहीं, राय लेकर तो संपूर्ण बना है, फिर राय क्या लेंगे? तुमको आधा कल्प कोई की राय नहीं लेनी होती है। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि है जो समझते हैं, यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो है नई दुनिया, स्वर्ग में तो सब सदगति में होते हैं, स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़े होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है, उसकी आयु कितनी है, ये सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी हैं, ये भी बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, 3/4 है सुख, बाकी 1/4 है दुख। इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख जास्ती होता है, आधा आधा हो तो
मजा ही कैसा हो। मजा तब है जबकि स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता। तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये बेहद का खेल है जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाकी जो सब हैं वे आधा कल्प में ही आते हैं। आधा कल्प में हो सिर्फ तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तुम पवित्र रहते हो, इसीलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है और दुनिया भी नई है। वहाँ एवरीथिंग न्यू है, अनाज पानी धरनी आदि सब नया। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए फिर पिछाड़ी में भी होने चाहिए। नजदीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते हैं तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्रते पवित्र धरनी भारत है। भारत की महिमा को तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते ही नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसका नाम है स्वर्ग। वह जो वंडर्स दिखाते हैं वह हैं सब नर्क के। कहाँ नर्क के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के। रात दिन का फर्क है। नर्क के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं, वहां तो मंदिर होते ही नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहां की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी, सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं, स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुंचे क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो। परंतु फिर दिल कहती है अभी तो हम बेहद के बाप के साथ हैं, बाप पढ़ाते हैं। ऐसा चांस फिर थोड़े ही मिलेगा। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, वहां देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं। रात दिन का फर्क है। कितनी खुशी होनी चाहिए। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार ये राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते हैं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे, परंतु माया ऐसी है। भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, कच्चे रह जाते हैं। दाल गले तब जब अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत, सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनकी दिल हट जाएगी। इसीलिए इसका नाम ही है सहज याद। ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंक उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग ही कहते हैं जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए तो लाखों वर्ष कहते, तुम जानते हो 5,000 वर्ष की बात है। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे हैं। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास स्थान भ्रुकुटी है। तो आत्मा को ही देखना पड़े। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं रहेगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे। सब जीवन मुक्ति में आते हैं,
वाया मुक्ति, यहां से जाएंगे शांति धाम, और नई और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामानुसार सबको वापिस जाना ही है, विनाश की तैयारियां हो रही हैं, इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, सो रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, सतयुग त्रेता में ये चीजें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम ये शरीर छोड़ घर जाएंगे, दीपमाला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, तुम आत्मा भी नई बनती हो, यह है बेहद की बात। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है, इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है, आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है, ये तो तुम समझते हो। स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते, तुम भी पुरुषार्थ करते हो, हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने, ये है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, तुम ब्राह्मणों में राजा ही नहीं है, तुम अभी संगम पर हो, कलयुग में अब राजा ही है नहीं, भल कोई राजा ही रह भी जाती, नील तो कभी होती नहीं, अब तुम ये बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं, और वह है बाप, बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो, तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है, तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो, आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है, तो कहते हैं यहाँ भ्रिकुटी में, ये तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए, पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद में छूटे, ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है, कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान है शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हरेक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है, सहयोग की रिजल्ट सफलता है। स्लोगन है कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा है वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है, सब खुशी के भिखारी हैं, और आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना, जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ देते जाओ, कोई खाली नहीं जाए, इतना भरपूर बनो। अच्छा, ओम शांति।